तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसके फुल सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि जैसा मैं आपको यहाँ से मॉडल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ ना, बिल्कुल ऐसा कैसे ही आपका बोर्ड परीक्षाओं का पेपर बनकर आने वाला है। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देख कर जाए, जिससे कि आप सभी को यूपी बोर्ड परीक्षा का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ सके। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 12 लेखा शास्त्र विषय का। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 का आपका लेखा शास्त्र विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देख सकते हो यहाँ से, आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और पूर्णांक आपका स्वअंकों का होने वाला है। मॉडल प्रश्न पत्र का आज हम पूरा का पूरा हल देखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। तो देखिएगा, लेखा शास्त्र विषय की तैयारी वैसे तो आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और बाकी आप लोग चाहे तो हमें कमेंट में भी बता सकते हो कि आपको लेखा शास्त्र से संबंधित और किस तरह की अध्ययन सामग्री की आवश्यकता है। आपको जितना जल्दी हो सकेगा हम आपके लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हो इस प्रकार का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा। अब चलिएगा मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी देखते हैं और इसके फुल सॉल्यूशन को भी देखते हैं और समझते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं। यहाँ पर नोट लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि शुरू के जो आपको 15 मिनट मिलेंगे ना, इस बीच में आपको प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना है। 3 घंटा ही आपको पेपर हल करना है, मगर 15 मिनट जो एक्स्ट्रा मिलते हैं ना, वो आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लें, सभी प्रश्न अनिवार्य है। यहाँ पर आप सभी को ये 3 निर्देश दिए गए हैं, तो आप सभी लोग एक बार जैसे आपके हाथ में पेपर आता तो इन निर्देशों को अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना है। तो चलिएगा अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को सबसे पहले हल करें और इनको अच्छे से पढ़कर जरूर जाए, जिससे कि आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग इनको अच्छे से लिख कर भी आ सकें। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, प्राप्ति भुगतान खाता है। तो देखिएगा प्राप्ति भुगतान खाता कैसा है, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र का खाता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ये जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया ना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपको लिख लेना है, प्राप्ति भुगतान खाता वास्तविक खाता है। कैसा खाता है, वास्तविक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है। तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से आपको देखना है साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा कैसे किया जाता है, पूंजी के अनुपात में, बराबर अनुपात में, साझेदारी संलेख के अनुसार और इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आपको लिख लेना है साझेदारी संलेख के अनुसार। तो यहाँ से आप लोग ये लिख लें, दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको बता दिया, ये इसका आंसर है। आप सभी लोग इस जगह से देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लेंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, साझेदारी फर्म में आरण पर ब्याज है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा जो लिखा गया ना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, साझेदारी फर्म में आरण पर ब्याज क्या होगा। तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा आई, इसे क्या कहते हैं, हम आई कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ख्याति है। ख्याति क्या है, एक अमूर्त संपत्ति, एक मूर्त संपत्ति, एक दायित्व या एक चालू संपत्ति। तो देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर होगा एक अमूर्त संपत्ति है। ख्याति क्या है, एक अमूर्त संपत्ति होगी। यहाँ से आप सभी लोग इसे देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि लिखा है एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि एक कोई सी निजी कंपनी है उसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा आ नंबर का, जिसमें कि लिखा है 2। कम से कम 2 सदस्य तो होना चाहिए, अगर एक सदस्य होगा तो फिर वो किसकी, एक ही व्यक्ति की कंपनी होगी वो, ठीक है। तो इसलिए निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ऐसे आप लोग लिख लें। अगला 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, स्कंद में शामिल है। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, स्कंद में क्या शामिल है, आपको ये बताना प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा 6 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा आपका, खुले औजार, व्यापारिक स्तंग, स्टोर या ये सभी। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ये सभी इसका उत्तर होगा। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जिसमें कि लिखा गया है वित्तीय विवरणों को विश्लेषण में शामिल होता है। तो देखिएगा 7वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को देख लेना, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा या ये सभी। तो देखिएगा इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, ये सभी इसका उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर भी मैंने आपको बता दिया प्यारे विद्यार्थियों। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
तो देखिएगा ये दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि लिखा है पूर्वदत्त व्यय की राशि में वृद्धि है। तो देखिएगा 8वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा रोकड़ में कमी। क्या आ जाएगा? रोकड़ में कमी, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से पुनः मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको यूपी बोर्ड परीक्षा की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी की जो परीक्षा सामग्री है, अध्ययन सामग्री है, जो जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, आपको इसी चैनल पर देखने को मिलता है। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा लें कि जिससे कि हम जैसे वीडियो अपलोड करें आप तक बराबर पहुंच जाए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, जिसमें कि आपको पूछा गया है आईसीएआई ने लेखांकन मानक 3 निर्गमित किया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा गया ना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, आप सभी लोग यहां से देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। तो 9 का उत्तर आपका आ जाएगा ये 1981, इस जगह से आप लोग देख लें। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अंश आवेदन खाता है। तो देखिएगा 10वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा व्यक्तिगत खाता है। अंश आवेदन खाता किस प्रकार का खाता है, यह व्यक्तिगत खाता है। आप सभी लोग यहां से देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा एक क्वेश्चन लिखे हैं, अलाभकारी संस्था से आप क्या समझते हैं, साझेदारी की 2 विशेषताएँ लिखिए, स्थायी पूंजी खाता क्या है लिखिए, और उसके बाद में अगला ख्याति की परिभाषा लिखिए, त्याग अनुपात क्या है लिखिए, और उसके बाद में अंश की परिभाषा लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आगे क्वेश्चन लिखे हैं, अंश की परिभाषा, वित्तीय विवरण से क्या आशय है, रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, पूर्वाधिकार अंश की परिभाषा आपको लिखनी है। अब यहाँ से शुरुआत होती है आपके लघुत्तरी प्रश्नों की। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लघुत्तरी प्रश्नों में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि लिखा है अलाभकारी संस्था को विस्तार से लिखिए, सामान्य साझेदारी एवं सीमित साझेदारी में अंतर लिखिए, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है इसका सूत्र लिखिए, समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर लिखिए, वित्तीय विवरण के उद्देश्य लिखिए, रोकड़ प्रभाव विवरण तथा रोकड़ बजट में अंतर समझाइए। और उसके बाद में देखिएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ये यहाँ से आपसे पूछे गए हैं, जिसमें कि लिखा है पहला आपको यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, ये आपको इस सवाल को हल करके लिखना है पूरा, जिसमें कि कहा गया सुधा क्लब उज्जैन का प्राप्ति भुगतान खाता तथा निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2020 के समाप्त हुए वर्ष का आईबीए खाता तैयार कीजिए। तो देखिएगा आपको इस प्रकार से इसका आईबीए खाता तैयार करना है। और अगला यहाँ पर लिखा गया देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 28, और उसके अलावा देखिएगा एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 20,000 अंश निर्गमित किए, जिस पर निम्न प्रकार के भुगतान होना है, आवेदन पर, रुपये आवंटन पर, प्रथम मांग तथा शेष अंतिम पर। देखिएगा आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा पूरा का पूरा आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, उसको मैंने यहाँ से आपको बता दिया, और लगभग आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उन सभी के उत्तर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी जो आपके बड़े वाले क्वेश्चन है ना, इनके उत्तर अभी हम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपको ये भी उपलब्ध हम करवा देंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।